मामले पर है। इस मामले पे अजी पैसे काट रहे हमारे ठेकेदार, मेरे 3,000 रुपए हर महीने काट रहा हूँ। किस चीज के काट रहे हैं पैसे? ये तो बताए नहीं उन्होंने किस महीने के काट रहे हैं। किस बात के काट रहे हैं? समझ लेते हैं हमारे से। और क्या नाम जी, उन्होंने मेरे को बोल के रखा था कि 12,000 रुपए देंगे और वो मेरे हर महीने काट लेता है पैसे। काट कौन रहा है? ये ठेकेदार काट रहे हैं। ठेकेदार, ठेकेदार का नाम? नाम का मेरे को पता नहीं। 15,000। ये यहाँ पर आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? इधर ही कर रहे हैं। सही है, हॉस्पिटल में? हाँ जी ऐसे। ये कहाँ पर है? राम दरबार में है? राम दरबार में। 13,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसमें ये कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये करो वो करो। ठेकेदार के पास जाओ तो ये कहते हैं ठेकेदार जाने तुम्हारा कटेगा पैसा। ये कहते हैं अंदर वाले कहते हैं ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार कहता है हमारे अंदर सेटिंग हो गई है, हम तो काटेंगे पैसे। कितने साल हो गए आपको काम करते हैं? हमें जी 18 साल 19 साल हो गए यहाँ पर, 2,200 से लगे हुए हैं। पहले कितनी इनकम थी, अब कितनी दे रहे हैं? पहले तो जी बहुत कम थी, मतलब 2,000 रुपए मिलते थे। उसके बाद में बढ़ते 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 बंदे भी कम थे उस टाइम, 12-13 बंदे थे, फिर 14 हुए, फिर ऐसे बढ़ते गए, फिर तनख्वाह भी हमारी उसी हिसाब से बढ़ती गई। अभी हमें 15,000 कटकटा के मिलते थे, अब इनने 15,000 के बजाय वो 1,300 रुपये डाले हमारे अकाउंट में। तो बताओ हम क्या करें? और इनको हमने नोटिस भी दे रखा, हमने लिख के भी दिया जी हमारे पैसे नहीं कटना चाहिए। ये किस चीज के काट रहे हैं पैसे? ये कह रहे हैं लीवर चार्ज के कट रहे हैं, तो हमारी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। पहले कभी कटे थे क्या? नहीं, पहले नहीं कटे थे, कोई पैसा नहीं काटा पहले, ये तो अब काट रहे हैं। अब क्यों काट रहे हैं ये? अब ये कह रहे हैं ये रिलीवर को दिए जाएंगे पैसे, अभी रिलीवर आया इस महीने से सर, और पैसे हमारे काट रहे हैं फरवरी से। तो बताओ हम क्या करें? 4,000 रुपए हमारे कम डाले हैं, जो बड़ी हुई तनख्वाह वो भी नहीं दी है 3 महीने से बड़ी अप्रैल। इनको लेटर दे रखा है कि पिछले हफ्ते हमने इनको लेटर दिया था कि भाई आप ऐसा करो, हम आपके लिए लेटर दे रहे हैं कि हमारे पैसे पहले नहीं कटने चाहिए। अब इनका कहना मतलब ये कि जेम पोर्टल के थ्रू ये आपका पैसा इसमें नहीं बनता है। तो हमने कहा चलो जेम थ्रू नहीं बनता है तो आप ऐसा करो, जो हमारा छुट्टी का पैसा मिलता है वो हमारा मिलता था, बंद कर रहे हो, रीवे रखो कोई बात, रीवे रख लो। लेकिन इनका मतलब ये कि ठेकेदार कह रहा है कि हमने फरवरी तक की रिकवरी करनी है। अब उस बात पंगाड़ा हुआ कि हमारी सारी पेट तनखा कटे, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इन दिन से हमने रिपोर्ट कर चुके हैं, ठेकेदार से ही बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को हमारी राजी है नहीं। अब रिलीवर जो रखे इस महीने के 3 तारीख रखे हुए हैं, पैसे काट लिए पिछले महीने तक। तो इस बात के लिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन जो भी किया है कि इस आपके मीडिया के माध्यम से हम जो इनसे आप उनसे जाके जरा बात करें, हमारे रिक्वेस्ट करें जो भी करें। आपके प्रशासन से क्या गुजारिश है? प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि हमारी पिछली रिकवरी ना की जाए फरवरी तक की, क्योंकि उसमें हमारे को कोई छुट्टी नहीं मिली है, ना हमने कोई छुट्टी ली अब तक। हमने प्रेजेंट पूरी हाजिरी की है, पूरे कोरोना काल में दुनिया घर बैठ कर तनख्वाह ले रही है। हम लोग यार 2-2 शिफ्टें कर रहे हैं, कोई बंदा हमारा पहले अब तो रिलीवर रख ली, पहले रिलीवर नहीं थे, ये इवनिंग आके फिर नाइट भी कर रहे हैं, नाइट भी कर वो भी कर रहे हैं, वो सारा हम आपस में ही कर रहे थे, उसका हमें पैसा मिल रहा था। लेकिन हमने कहा जॉइंट पोर्टल में है नहीं, तो हमने कहा जॉइंट पोर्टल में नहीं है, आप रिलीवर रख लो उसके बाद हमें वो दे दो। अब ये कह रहे नहीं, वो ठेकेदार कह रहा कि हमने फरवरी तक की, अब तक हमने रिकवरी करनी है। इस चीज को लेकर आपने किसी उच्च अधिकारी को? हाँ, लिखित में दिया हुआ है, हमने लिया हुआ है, लिखित में दिया हुआ है, मिले भी हैं कई बार जाके, और लिखित में भी दिया रखा हमने उनके लिए, कल मम्मी हमारे पर काफी रखी लेटर लिखा। फिर उसका उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं आपको एक हफ्ते में इसका मतलब रिटर्न जवाब दूंगी, एमएस मेडल बात हुई थी। लेकिन आज तक हमारे ऊपर कोई ना उन्होंने बताया तनख्वाह से पहले की कटेगी नहीं कटेगी, कुछ भी नहीं बताया। कल अचानक समय तनख्वाह काट दी इन लोगों ने, इनके भी पास पहले हम गए थे, इनने बोला भी मैं इसमें करती हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, आप ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार कहता है मेरी पैसे काट लिए, तो हम बताओ क्या करें? हमारा मतलब ये है कि हमारी फरवरी से रिकवरी ना की जाए। सिंह है, मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ से प्रचार सचिव हूँ चंडीगढ़, और जो इनकी ये समस्या है ये काफी लंबे टाइम से आ रही है। कल इन सफाई कर्मचारियों की समस्या नहीं है, ये सही में आज के टाइम में हर कर्मचारी की समस्या है, चाहे वो आप सिक्योरिटी गार्ड ले लो, चाहे एक पेन ले लो, चाहे एक सफाई कर्मचारी ले लो, चाहे माली ले लो, चाहे कोई टेक्नीशियन ले लो, सबकी समस्या है। पर ये जो ईएसआई प्रशासन है आज ये ज्यादा चतुर बन रहा है अपने आप को, ठगी ठोरी पे उतर आया है ईएसआई प्रशासन, जिसमें खास करके ये 2-3 अफसरों का नाम सामने आ रहा है, एडी विशाल का, हरप्रीत का, और मैडम भी कहीं ना कहीं जो है वो इनके साथ मिल चुकी है, क्योंकि तभी ऐसी गलतियां ये लोग कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग, प्रशासन इसको कर्मचारी को तंग कर रहे हैं। अभी जैसे ये जो ये मिरर ये टच कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्टर है, इससे मेरी बात हुई अभी, वो कहता है मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी है ईएसआई का रोल है, मैं तो एज इट इज पहले पैसे दे रहा था इनको, जो सैलरी थी वो दे रहा था, पर अब ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी 70-80 हज़ार रुपये काट के दे रहे हैं, उसको भी लॉस दे रहे हैं ये, तो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इनको लॉस देगा। तो हमारी तो यही मांग है कि इनके साथ जो आप प्रशासन है इसकी इनकी आंखें खुलनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से 5-6 महीने से खुल नहीं रही।
क्योंकि आज सिक्योरिटी गार्ड का हमने यहाँ पे केस भी लगाया और उसके बावजूद भी इनको आज 5-6 महीने हो गए उनकी सैलरी नहीं दे रहे। और अभी जब था अगर जो इनकी सैलरी काटनी थी आज ये इतने अपने आप को सियाने बन के दिखा रहे हैं तो 18 साल से क्यों नहीं काटी इनको, 18 साल से रिलीवर क्यों नहीं नजर आया, आज भी उनको रिलीवर नजर आ गया। पर ये कहीं ना कहीं गलती है, जब ये लोग पहले अपने आप में एडजस्ट करके चल रहे थे इस चीज को तो रिलीवर का पैसा जब इन्हें मिल रहा था तो इनको ही मिलना चाहिए रिलीवर का पैसा। आज इनको ना छुट्टियों का पैसा मिल रहा है, इनका छुट्टियों का काट लिया और देखो कितनी बड़ी बेवकूफी है इनकी। रिलीवर आए कल से, 2 दिन हो गए रिलीवर को आते हुए, उनका पैसा इनका पैसा काट रहे हैं 4 महीने का। वो 4 महीने का पैसा कौन खा रहा है, ये खा रहे हैं मिलके, ऐसे प्रशासन खा रहा है मिलके। तो हमारी यही चीज वो है कि जो या तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जो ऐसे प्रशासन है ये धंधांधली कर रहा है। अगर जो इनकी इंक्वायरी हो तो मेरे ख्याल से कई लाखों का घपला जो आज के टाइम में ये लोग कर रहे हैं, पहले वर्कर को रख लेते हैं किसी और चार्ज पे। अभी एक लेडीज है यहाँ पर, इधर आओ मैं इधर आओ, अभी ये लेडीज है, इसको सर्विस पे रख लिया इन्होंने, सर्विस पे रख लिया और ये किसी यहीं पर ही किसी मैडम के थ्रू लगी है। इसके ठेकेदार के थ्रू 3,000 रुपये हर महीने कट रहे हैं। क्यों कट रहे हैं वो 3,000 रुपये, ये क्या है, ये गुंडागर्दी है, वसूली टैक्स है, यहाँ पे वसूली हो रही है कोई, ये वसूली का काम है। ये माफिया लोग जो जैसे वसूली करा करते थे आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्टर वसूली कर रहे हैं, ऐसे प्रशासन वसूली कर रहा है। तो ये सब चीजें ऑल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी संघ के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ भाई साहब भी खड़े हैं अपना बबलू दुबे जी, तो हमारा सारा यहाँ पे संगठन है इस चीज का, हम बिल्कुल भी इस चीज से घबराने वाले नहीं है। और ये बार बार हमें एडी विशाल जो पर्चे की धमकी देते हैं कर्मचारियों पे, हमेशा पर्चे जो नेता लोग हैं उन पे पर्चे होते रहे हैं और पब्लिक के हक में पर्चे होते रहे हैं, इनकी तरह ठगे ढोरी करके पर्चे नहीं हुए। तो मेरी यही आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके पास जाएं, इनको क्या दिक्कत है, जब से ये एडी विशाल आया तब से यहाँ प्रॉब्लम खड़ी होगी, हरप्रीत है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप इन लोगों से मिले जाके, ऐसे ही मैडम एक इन कर्मचारियों की भी गलती है थोड़ी सी, वो MS मैडम आई उसको बुक्के दे देके इन्होंने सर चढ़ा लिया और वो मेरे ख्याल से सर चढ़ गई गुलदस्ता गुल बनेगी वो, तो उसको भी ये थोड़ी समझ आनी चाहिए कि ये भी कर्मचारी हैं, इनके बच्चे हैं, इनके परिवार हैं, इनके साथ ऐसे धक्केदाही ना करें। इनकी जो भी इश्यूज थे हमने सुन लिए हैं मैडम ने भी, ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर मैडम ने बोला है कि इनको रिव्यू किया जाएगा इनके डिमांड्स को और जो एजेंसी है कॉन्ट्रैक्ट की उसके साथ टेकअप किया जाएगा। कर्मचारियों ने क्या मुख्य मांगे रखी, जो भी इश्यूज इन्होंने बताया अंदर, इनके 2-3 पॉइंट्स थे जो, ठीक है, इन्होंने रिटर्न में कोई वो नहीं दिया, इन्होंने वर्बली बताया जो कुछ इन्होंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं वो हम टेकअप करेंगे एक हफ्ते के अंदर में बोल रहा हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।